अम्मी हाँ जी हाँ जी सेम टू यू जी। मैंने कहा एक क्लिप ले लू भैया पीछे हो जा वो अभी अंशु आएगा ना फिर फोड़ियो वो थोड़ा लेट आएगा पूजन करने लग रहे क्या? हाँ डालूंगी अंदर भी है क्या तोपड़ा बजाओगे तुम आवाज बजाना बजाना आवा मेरे ते भी आवा मैं अभी बजा लूं गाइस देखो हमारा घर लाइटिंग से कितना अच्छा लग रहा है जगमग जगमग और इधर हमारे पड़ोसियों का भी देख लो और दिए लग चुके हैं वो सामने कुएं पे भी और गाइस देखिए हमारे घर जो भी बॉक्स आए थे हमारे रिश्तेदार फ्रेंड्स सबके घरों से अभी ये पूरे नहीं आए हैं अभी इससे डबल और आए थे बाकी जो आए हुए थे सो मैंने आपको दिखा दिए हैं ये मेरा कन्नू बैठे हुए हैं और यहाँ पर देखिए रंगोली भी बनाई हुई है हमने और ये मोर बना रखा है देखिए कितनी सुंदर रंगोली है ना ये मैंने बनाई है मैंने और ये हमारा पूजा का जो स्थान है हम नीचे बैठ के पूजा करते हैं ना तो यहाँ पर मंदिर जो है लगा दिया है और मेरे पतिदेव पंडित जी है ना वो पूजा करेंगे अभी। गाइस देखो मैंने रंगोली बनाई है कितनी सुंदर रंगोली और फिर मैंने ना इसमें कैंडल भी लगाई है देखो देखो मैंने मोर भी बनाए हैं और फिर उसमें कैंडल लगाई है ये हमारी ताई है वो कलाकार ही है। हाँ जी मैं बहुत कलाकार हूँ और मैंने ये मोर वाली रंगोली बनाई है गाइस कमेंट करके बताना आपको हमारी रंगोली कैसी लगी और ये तो मैं कर रही थी मजाक ये रंगोली बनाई है हमारी गुड़िया अदिति ने आपको मैं इतनी कलाकार करने वाली लगती हूँ मेरे उल्टे सीधे काम है मेरे रंगोली वाले लगते हैं आपको काम सो गाइस ये मैं कर रही थी मजाक ये गुड़िया ने बनाई है हमारी कमेंट जरूर करना पर बनी कैसी है तैयार हो गया तेरा पापा ऊपर पटाखे चलाने नहीं और पूजा करने अच्छा ऐसे बनाऊं ये ऐसे 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 ब्लॉग वाली ऐसे ब्लॉग वाली आ रही है आप लाइटिंग आ रही है कर दो स्टार्ट अब हाँ स्टार्ट तो थी सो गाइस आप लोग देख सकते हो इधर हमारे ये लाइटें कितनी सुंदर लग रही हैं है ना और भी और गाइस आज आपको एक पड़ोसियों की और दिखाऊँ लाइटें वो देखो उधर गाइस उधर है और आओ मैं आपको अपनी दिखाऊं गाइस अपनी अपने घर पहले मेरी पिक ले ले वीडियो ये माई है अंदर से भी दिखाएंगे हम देखो गाइस अपने यहाँ भी लाइटिंग लगाई है और इधर भी लगाई है देखो गाइस हमने इधर भी लगाई है गाइस देखो यहाँ पे कितनी सुंदर लग रही है ना जो कि हमने जला दी है चलो दिखा हम कैसी बनाई हेलो अभी जो थोड़ी सी क्या चीज अपनी वो थोड़ा हाँ और गाइज ये था वो मेरा कैमरामैन जिसने मेरी ये वीडियो बनाई थी ना ये है कैमरामैन हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली सेम टू कह दे YouTube फैमिली को कह दे हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू YouTube फैमिली हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू और मेरी ताई के चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो जोर से बोल भी तेरी आवाज नहीं जा रही सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो गाइज ये इसकी आवाज़ पता नहीं आपको आ रही कि नहीं आ रही मैं बोलती हूँ और व्यूज करो व्यू बढ़ाओ व्यूज ये पता क्या बोल रहा है ये कह रहा है मेरी ताई के चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करें और उनके व्यूज़ बढ़ाएं और जल्दी जल्दी चैनल पर आएं और वीडियो देखें बाकी आपको दिखाती हूँ गली का और ये इसको दिखाऊँ मैं ये पंडित बन के घूम रहा है आज चल मारे घर पूजा कर दे पूजन का टाइम होने वाला चल हमारे घर पूजा कर दिए ठीक है पर गाइज मैं ना यहाँ पर गांव की लैंग्वेज जो है यूज करती तेरे लिपस्टिक लगा दी मैंने तेरे उस पे देख देख लिपस्टिक मुंह पे तेरे
गाइस आज ये कुछ ज्यादा ही गोरा लग रहा है। ओए कौन सा फाउंडेशन लगा के आया है? कोई शादी नहीं। झूठे कोई शादी नहीं। झूठे झूठे पंडित लग रहा आज का पूरा। आज हमारे घर पूजन तुमने ही करना है। चल मंदिर सजाया ही हूँ मैं, पूजन कर दे चल के। कल ब्लैक मेरे साथ मैच हो रहा था, तू आज तो यीशु के साथ मैच हो रहा था। बेटे तन्ने कर तो रखा कुछ, पूरा ही शंका है मुझे तेरे पे। हाँ तो आज बहुत लेट मार रहा। क्या ग्लो है ये तेरे फेस पे, किसका ग्लो है? निखार चढ़ गया तुझे तो, रूप चढ़ गया, रूप इस दिवाली रूप चढ़ गया तुझे। पिछली दिवाली तो मेरा बेहाल था। पिछली दिवाली तेरा बेहाल हो गया था, इस दिवाली तुझे रूप चढ़ गया, रूप काला टिक्का लगा के आ। चल जल्दी तवे की कालख लगा का कान के पीछा। हेलो गाइज, राधे राधे जी, हैप्पी दीपावली आप सभी को मेरी तरफ से। और गाइज मैं सुबह से बहुत ही ज़्यादा बिजी थी इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई। कभी इधर जा उधर जा, ये वो पूछो मत। और आज ना मेरी तबीयत भी ख़राब लग रही थी, मेरे इस साइड ना दर्द हो रहा था क्योंकि कई दिन से ना मैं अपनी दवाई खाना भूल रही थी कामों में, तो मेरे इधर बहुत ही आज तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। और आज बीमार भी है, आना जाना भी, और आप देख सकते हो शक्ल पर मेरी 12 बज रहे हैं। बाकी आज मैंने ये सूट करना हुआ, खैर सूट साठ को तो छोड़ो परे। और अब मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में मैंने बनाया शाही पनीर, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। एक मिनट रुकिए जरा, आपको मैं शाही पनीर दिखाती हूँ गाइस। ये देखो गाइस मैंने बनाया है शाही पनीर, और अभी ना ये पकेगा। अभी अभी मैंने छोंक लगाया है इसमें, मीन्स छोका है, मैंने ब्राइट वो फ्लैश लाइट बंद की है। सो ये देखो गाइस यम्मी यम्मी पनीर। और अभी इसको मैं और थोड़ा ग्रेवी को जो है गाढ़ा करूँगी, और साथ में मैं बनाऊँगी फुलके। पनीर मेरा जो है बन चुका है, बस थोड़े सी ये जो ग्रेवी है ना इसको गाढ़ा करना है, और हमारा शाही पनीर जो है रेडी है। अंदर से नहीं बैठूँगी मैं। हैप्पी दिवाला। गाइज यहाँ पर मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड शेफाली के घर मिठाई देने, क्योंकि मेरे को टाइम बस इसी टाइम लगा, और ये मेरे ख्याल 8:30 बजे का टाइम होगा। और यहाँ पर ना पंडित जी हमारे आ गए हैं, और ये पंडित जी नहीं आई, मेरे हस्बैंड है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो पंडित जी ये पूजा कर रहे हैं, पूजा मीन्स मंदिर, हम ऐसे नीचे बैठकर जो है मंदिर लगा कर ना पूजा करते हैं। और यहाँ पर ना ये ना वो था हार था जो हम ये न्यू जो माता जी की मूर्ति है उस पर चढ़ाएंगे। मुझे लगा ये परांदे लाए हैं हाथ में बांधने वाले, मोती शोती लग रहे थे, तो मैं ना बड़ी खुश हुई, मैंने कहा आप मुझे परांदा बांध दोगी? ये कह रहे परांदा नहीं है वो हार है। और ना मैं ना इनको जान के छेड़ रही थी, मैं इन्हें कह रही थी जय श्री राम पंडित जी, तो फिर मैंने आगे से कह रही थी अब आप मुझे बोलो जय श्री राम बेटा जी, तो जैसे पंडित को बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे करती रहती हूँ मैं कारनाम में। और गाइज यहाँ पर जो है उन्होंने हार वगैरह लगा दिया है। सो गाइज यहाँ पर जो है ना पूजा जो है शुरू हो गई है, ये प्रसाद लगा रही हैं। और हमारे में ना ये जो खील होती है ना, खील पतासे और मिठाई, इसका ही भोग लगता है। सो फिर और ना मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक है ये दिवाली की पूजा करने का और सामान खरीदने का, तो सब कुछ यही लेकर आते हैं। मेरी कोई टेंशन नहीं है, मतलब कुछ भी लाने की, अपनी पसंद का लाते हैं ये। सो अच्छी बात है जी, मुझे बाजारों में धक्के नहीं खाने पड़ते। और यहाँ पर पूजा हमारी हो गई कंप्लीट, और बस जी अब ये यहाँ पर तिलक देखो इन्होंने मेरे कहाँ लगा दिया है। मैंने कहा उसी तिलक पर लगा दो, कह रहे नहीं नहीं यहाँ ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने कहा अच्छा जी, गलती से लग गया तो सुंदर लग रहा है। और गाइस बस हम लोग यहाँ पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, और फिर खाया था खाना, फिर मैं चली गई थी रूम में। और गाइस ये है दिवाली वाली रात का टाइम, 10:12 का। बाकी सब घर वाले जो है पटाखे जला रहे हैं नीचे, पड़ोसी भी, घर वाले भी, अंश भी, उसके पापा भी, पर मैं नहीं जला रही हूँ। मेरे को बोल रहे थे वो कि आप भी आ जाओ, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं जो है खाना वाना सबको खिलाकर मैंने दिखाया ही था आप लोगों को
मैंने शाही पनीर बनाया था और फुलके बनाए थे बस, और रायते डाला था। ज़्यादा कुछ नहीं है बनता हमारे में ना, खाना भूनना नहीं निकाला जाता, वो तो मैंने खाने के लिए बनाया था। और आज मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी, काम तो मैं कर ही रही हूँ, चलो आना जाना भी हुआ सबके घरों में, गई भी मैं, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी। आज ना मेरे इस साइड भी दर्द हो रहा था, दिल वाली साइड, जो मुझे प्रॉब्लम है ना, दो तीन दिन से ना दवाई खाना भूल जाती थी, तो आज दिक्कत हो गई थी मुझे। इसलिए फिर मैंने पहले तो दवाई खाई दिन में, उसके बाद फिर मैं जो है काम किया। और बाकी इस बार मैं मंदिरों में भी नहीं जा पाई, मैंने माता जी को भेज दिया था और अपने हस्बैंड को कि मैं खाना बना लेती हूँ, आप लोग चले जाओ। मुझे ना तकलीफ़ सी हो रही थी, इसलिए फिर मैं घर ही थी, तो फिर वो लोग मंदिर दिए वगैरह लगाए आए थे और मैंने इतना खाना बनाया था। और गाइज वैसे मैं पटाखे वगैरह चलाती हूँ, शौक़ भी है मुझे चलाने का, लेकिन हिम्मत नहीं थी, मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और इसलिए फिर मैं जो है नहीं गई। बाकी सब बजा रहे हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, वो बजा रहे हैं सारे गली में इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन मैं आ गई थी लेटने, और बस मैं जो है अब सोने वाली हूँ, क्योंकि हिम्मत नहीं है मेरे में खड़े होने की अब तो। इसलिए गाइज हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय जी।